लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत कोर विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में विकास की बात युवाओं के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने त्रिवेंद्र रावत से विकास के मुद्दों को लेकर कई सवाल पूछे। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा भी पहुंचे, जिन्होंने छात्र छात्राओं को मोटिवेशन स्पीच देकर प्रोत्साहित भी किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि युवाओं को विकसित भारत को लेकर मतदान करना है। आज का युवा बहुत सौभाग्यशाली है कि उन्हें विकसित भारत बनाने का मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री और हमारी जो राज्य सरकारें हैं उसके लिए युवाओं के बीच में तमाम तरह की योजनाओं को लेकर जा रहे हैं, ताकि हमारा युवा एक सक्रिय भागीदारी कर सके विकसित भारत के लिए। उसके लिए चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, इंडस्ट्रियल फील्ड हो, आजकल आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग का पीरियड है, टेक्नोलॉजी हो, उससे भारत को सुसंपन्न किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, करनी और कथनी अगर एक होती है तभी युवा मोटिवेट होता है। आप चाहे जो मर्जी बोल लीजिए, अगर करनी हमारी सही मायने नहीं रखेगी कभी यूथ मोटिवेट नहीं होता। आज मैं यहाँ पर देवेंद्र रावत जी के लिए वोट करने इसलिए आया हूँ और बल्कि कैंपेनिंग के लिए आया हूँ इस वजह से, क्योंकि मेरे अंदर जो भी बात है आज तक इनके बारे में, इनकी रेपुटेशन है, जो चरित्र है, जब भी ये जो मुख्यमंत्री थे इन्होंने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ दिया है, उसी वजह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ, वरना मैं नहीं आता।